स्वागत करता हूँ। जो लोग चालाक होते हैं वो कभी भी पहले ज्यादा मुर्गियों से शुरुआत नहीं करते हैं, वो पहले कम से कम मुर्गियों से शुरुआत करते हैं और अगर काम ठीक चलता है तो उसके बाद वो बड़े स्तर पर मुर्गी पालन करते हैं। और हमारे ऐसे भी बहुत सारे साथी होते हैं जो मुर्गी पालन तो करना चाहते हैं पर उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है और वो सोचते हैं कि मुर्गी पालन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, मुर्गियों को रखने के लिए बहुत बड़ा शेड बनाना चाहिए और इन कारणों के वजह से वो मुर्गी पालन नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से 12 ओरिजिनल देसी मुर्गियों से शुरुआत करके एक अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, मुर्गियों को रहने के लिए एक अच्छे घर का इंतजाम करना है। आप लोगों के घर में अगर कहीं भी खाली कमरा पड़ा हुआ है तो उसे भी आप लोग मुर्गियों को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोगों के घर में कहीं भी खाली कमरा नहीं है तो आप लोग 1 से 2 हज़ार रुपये में मुर्गियों के लिए एक अच्छे घर का निर्माण कर सकते हैं। 12 मुर्गियों को रहने के लिए जो घर चाहिए उसे आप लोग खुद भी निर्माण कर सकते हैं। मुर्गियों को रहने के लिए जो घर आप लोग बनाएंगे वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए, ज़्यादा धूप फार्म के अंदर नहीं जाना चाहिए और उसके साथ साथ सांप और बिल्ली फार्म के अंदर ना जा पाए। इन बातों को ध्यान दे के आप लोगों को कम से कम खर्च में 12 मुर्गियों के लिए एक घर बनाना है। जब मुर्गियों को रहने के लिए एक अच्छे शेड का बंदोबस्त हो जाएगा तब आप लोगों को करना क्या है, 10 फीमेल मुर्गी और 2 मेल मुर्गा खरीदना है। इन मुर्गियों को हो सके तो आप लोग व्यापारी से नहीं खरीदना क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो सस्ते दामों में बीमार मुर्गियों को खरीदते हैं और उन्हें बेचते हैं। अगर आप लोग ऐसे व्यापारियों से इन मुर्गियों को खरीदते हैं तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को नज़दीकी गांव घरों में जाना है और वहां मुर्गियों को अच्छे से देखना है और जो भी मुर्गियां आप लोगों को पसंद आता है उन मुर्गियों को खरीद के लाना है। आप लोग जो फीमेल मुर्गी खरीदेंगे वो 4 महीने या 4.5 महीने के होने चाहिए ताकि उन्हें कुछ दिन पालने के बाद वो अंडे देना चालू कर दे। अब बात करते हैं कि इन मुर्गियों को खरीदने में खर्चा कितना होगा। देखिए इस तरीके के एक फीमेल मुर्गी का प्राइस हम 350 रुपये मान के चलते हैं तो 10 फीमेल मुर्गी का प्राइस हो जाता है 3,500 रुपये और अगर हम एक मुर्गा का प्राइस 400 रुपये मान के चले तो 2 मुर्गा का प्राइस हो जाता है 800 रुपये, तो टोटल खर्चा होता है 4,300 रुपये। मतलब 10 फीमेल मुर्गी और 2 मुर्गा को खरीदने में खर्चा कितना होगा, 4,300 रुपये। इन मुर्गियों को आप लोग खरीदा हुआ फीड खिलाकर भी पाल सकते हैं, नहीं तो इन मुर्गियों को आप लोग घर में खुले में छोड़कर घर का वेस्टेज खिलाकर भी पाल सकते हैं। आप लोग अगर 4.5 महीने के फीमेल मुर्गी खरीदते हैं तो उन्हें 10 या 15 दिन पालने के बाद वो अंडे देना चालू कर देगी। यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो 10 फीमेल मुर्गियाँ हैं वो एक साथ अंडे नहीं देगी, 1-2 दिन का गैप हो सकता है। जो भी मुर्गियाँ अंडे दे के ख़त्म करेगी उन मुर्गियों को अंडे में बिठाना है और उन मुर्गियों से चूजे निकलवाना है। जब 22 से 24 दिन में सभी चूजे निकल जाएंगे तब आप लोगों को करना क्या है, मुर्गियों से चूजों को अलग करना है और उन चूजों को अलग से ब्रूडिंग करना है। मुर्गियों से चूजों को अलग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुर्गियाँ फिर से जल्दी अंडे देना चालू करती है और अगर चूजे उनके साथ रहते हैं तो जब तक चूजे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक वो अंडे नहीं देती है। जब आप लोग उन मुर्गियों से चूजों को अलग करेंगे तब आप लोगों को उन मुर्गियों को अच्छे से खिलाना है। बहुत सारे लोग मुर्गियों से चूजों को अलग करने के बाद उन मुर्गियों को अच्छे से नहीं खिलाते हैं जिसके कारण मुर्गियाँ कमज़ोर होकर मर जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है, मुर्गियों से चूजों को अलग करने के बाद उन मुर्गियों को अच्छे से खिलाना है।
एक देसी मुर्गी पहले अवस्था में 10 अंडे तो देती है और उसके हिसाब से 10 मुर्गी कितने अंडे देंगे, 100 अंडे देंगे। और 100 अंडे में से अगर 90 चूजे निकलते हैं और उन 90 चूजों को अगर आप लोग पहले अवस्था में 2000 रुपये में एक बैग प्री हीटेड फीड खिलाते हैं और उसके बाद उन्हें अगर घर का वेस्टेज और मक्का बाजरा इस तरीके का चीज़ खिलाकर पालते हैं तो 3 से 4 महीने में एक मुर्गी का वज़न 1 kg हो जाएगा। और मोर्टलिटी के लिए हम 10 मुर्गी माइनस कर देते हैं तो बचेंगे कितने, 80 मुर्गी। और एक मुर्गी का वज़न अगर 1 kg होगा तो 80 मुर्गियों का वज़न कितना होगा, 80 kg। और जगह के अनुसार मुर्गियों का रेट अलग अलग होता है, फिर भी हम ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रेट पर kg 400 रुपये मान के चले तो 80 kg मुर्गियों का प्राइस कितना होगा, 32,000 रुपये। खर्चा कितना हुआ था, 12 मुर्गियों को खरीदने में 4,300 रुपये और एक बैग प्री हीटेड फीड खरीदने में 2,000 रुपये, मतलब 6,300 रुपये खर्च हुआ था। यहाँ मैं सीड बनाने का खर्चा ऐड नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अलग इन्वेस्टमेंट है, उस सीड में आप लोग कई सालों तक मुर्गियों को रख सकते हैं। 32,000 रुपये में से अगर हम 6,300 रुपये माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, 25,700 रुपये, मतलब 12 मुर्गियों से शुरुआत करके हम 25,700 रुपये कमाई कर सकते हैं। देखिए आप लोग 80 मुर्गियों को बेच भी सकते हैं, नहीं तो 80 मुर्गियों को पाल के ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।